डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ कुछ नई बात करेंगे। पिछले सेमेस्टर में हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ रहे थे, फिजिक्स पढ़ रहे थे, और उसकी स्टडी के दौरान हमने कई नई नई चीज़ें भी डिस्कस की थी, और उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट आइडियाज हो, आप लोगों को याद होगा। और ये चाहे आप जिस क्लास के भी हो, मतलब डिप्लोमा के थे आप लोग, या बीटेक के थे, या एमएससी के भी थे, तो प्रोजेक्ट आइडियाज या उनका प्रेजेंटेशन, इन पर काफ़ी चर्चा होती थी। इस बीच, ये जो बीच में 2 महीने का गैप आया है, इसमें हम लोगों ने कुछ नए काम किए हैं। और एक काम ये हुआ है कि हमारी यूनिवर्सिटी में एक इनक्यूबेटर पहले से खुला हुआ था, लेकिन अभी इसको हमने, जब इस मौका मिला 2 महीने का, तो इसमें इसको हमने काफ़ी एक्टिव कर लिया है। तो ये जो इंक्यूबेटर है, इसको आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये MUIT इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन फाउंडेशन इसका नाम है। और इसकी कई एक्टिविटीज चल रही हैं, जिसमें बाहर से कोई भी स्टूडेंट या कोई एंटरप्रेन्योर अगर कोई आइडिया देता है और उस आइडिया पे कुछ बिजनेस करना चाहता है, तो ये इंक्यूबेटर उनको सपोर्ट करता है, और इसमें मैं व्यस्त भी हूँ। और उनको सपोर्ट करने के पीछे कई कारणों में से एक कारण ये है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, आप लोग अगर उस आइडियाज के साथ जुड़ना चाहें, तो एज ए इंटर्न या पढ़ाई के दौरान बीच में उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें साथ काम कर सकें, तो आप लोगों के भी आइडियाज इम्प्रूव होंगे, तो पढ़ाई के साथ साथ जो एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग है वो भी हो जाएगी। आज जो खास मौका है वो ये है, जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि एक एनर्जी स्वराज फाउंडेशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। इसको स्टार्ट किया है एक वैज्ञानिक है जो IIT मुंबई में प्रोफेसर थे, प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी। ये सोलर मैन के नाम से भी हम लोग काफ़ी इनको जानते थे, और मैं इनसे करीब 10-12 साल से पहले से जुड़ा हुआ था। तो इन्होंने अभी IIT मुंबई छोड़ करके एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है, और इनका उद्देश्य है कि पूरे देश में जितने लोग हैं उन सभी को एनर्जी लिटरेट बनाया जाए। जो है वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं है उनको एनर्जी लिटरेट बनाया जाए। अब एनर्जी लिटरेट का मतलब क्या है? एनर्जी साक्षर। एनर्जी साक्षर का मतलब क्या है कि एनर्जी के बारे में समझें, उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए, और उसकी छोटी छोटी दिक्कतें हैं उनको खुद ही सॉल्व कर सके। तो ये इनका उद्देश्य था, और इसमें सबसे पहला काम जो उन्होंने अपने उद्देश्य में रखा हुआ था कि जो एनर्जी लिटरेट हो वो एक होम बेस्ड सोलर सिस्टम को डिजाइन कर पाए और बाजार से उसके कंपोनेंट्स खरीद करके उसको असेंबल कर पाए, ये उनका उद्देश्य है। तो जो हमारा इंक्यूबेटर है, इसका लिंक भी यहाँ दिया हुआ है, और उनके एनर्जी स्वराज फाउंडेशन का भी लिंक दिया हुआ है। तो MUIT जो इंक्यूबेटर है वो उनसे जुड़ गया है और उनका पार्टनर बना है इस कार्य में। अब ये कार्य क्या है? इस कार्य में क्या है कि हर स्टूडेंट, आप लोगों में से, या केवल स्टूडेंट ही नहीं, कोई भी, इवन आपके घर में आपके पेरेंट्स भी, क्योंकि एनर्जी के बारे में कई बार कुछ भ्रांतियां बड़े लोगों में भी होती है, तो वो इसको पूरा देखने के बाद वो क्लियर कर पाएंगे। सो उनके लिए एक अच्छा मौका होगा अपने नॉलेज को रिफ्रेश करना, और आपके लिए तो होगा कि इसको अटेंड करके एक अपने नॉलेज को अपग्रेड करना। सो इसमें जो काम है वो ये है जो मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको इस जो प्रोग्राम है, एनर्जी लिटरेसी प्रोग्राम, इसमें अपने को रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वो लोग 15 वीडियोस दिखाएंगे, छोटे छोटे वीडियोस हैं, लेकिन 15 वीडियोस दिखाएंगे जो कि अलग अलग टॉपिक पर है, और उसके बाद आपको एक क्विज में पार्टिसिपेट करने को कहेंगे। और क्विज में अगर 40% मेरे ख्याल से है, अब आप जेल में जाएंगे तो पता लग जाएगा, अगर स्कोर कर ले तो वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे। तो सर्टिफिकेट दिया वो तो एक अलग बात है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि आप को एक
कैसे होम बेस्ड सोलर एनर्जी सिस्टम को डिजाइन कर पाए इसके बारे में जानकारी अच्छी मिल पाएगी। तो इसको शुरुआत करने के लिए आप लोगों को रजिस्टर करना पड़ेगा, और रजिस्टर करने के लिए जो पहला काम है वो ये है कि ये जो लिंक सामने दिया हुआ है इस पर क्लिक करना होगा। वो आप लोग कर सकते हैं। कभी भी कोई दिक्कत आए तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा फ़ोन नंबर वगैरह डिटेल इसमें दिया हुआ है। और जब आप सक्सेसफुली क्विज कंप्लीट कर लेंगे तो आपको वो लोग सर्टिफिकेट भी देंगे, और वो सर्टिफिकेट का टेम्पलेट ये है। इसमें खास बात जो आप देखेंगे कि इसमें हमारे इंक्यूबेटर का यहाँ पर लोगो है, क्योंकि हम उनके पार्टनर हैं, और यहाँ पर हमारे इंक्यूबेशन का सेंटर का नाम भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो लोग हमारे साथ मिल करके ये प्रोग्राम कर रहे हैं आपके लिए। इसी तरह दूसरे ऑर्गेनाइजेशन भी जुड़े हुए होंगे उनके साथ। तो इसको करने के लिए पहला स्टेप क्या है कि आप जो मैंने लिंक बताया उस लिंक के थ्रू उस पर रजिस्टर करेंगे, उसमें अपने डिटेल्स भरेंगे, जैसे उसमें नाम, ईमेल आईडी वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह पूछते हैं, फिर सबमिट करेंगे। और सबमिट जब करेंगे तो एक लिंक आपके ईमेल पर जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। ये आप पहले भी करते रहे होंगे, वो करेंगे, हो जाएगा। उसके बाद आपको वो लोग कहेंगे कि एक एक वीडियो इसका देखिए, और वीडियोस 15 वीडियोस है। अब आप देखिए ये वीडियोस छोटे छोटे वीडियोस है, 5-5 मिनट के हैं, और उसमें जो विषय है इनका वो बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। एक तो है कि एनर्जी और पावर ये क्या चीज़ होती है, और आपको याद होगा जब हम सोलर एनर्जी का डिस्कशन आपकी क्लास में कर रहे थे कुछ क्लासेस में, तो इसको खूब डिस्कस किए थे। तो एक तो ये डिफरेंस, फिर उसी तरह दूसरे वीडियो में बताएंगे कि अपने जो अप्लायंसेस हैं, हीटर, गीजर या कोई भी चीज़, उसका एनर्जी कंजम्पशन कैसे कैलकुलेट करें। क्लास में बताया मैंने आप लोगों को, मुझे याद है कुछ स्टूडेंट तो इस पर काफ़ी होमवर्क भी करके आए थे, तो ये बताएंगे। फिर उसके बाद बताएंगे कि आपके घर की जो घर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो क्या ज़्यादा है या कम है, ये आप कैसे समझेंगे, इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद एक वीडियो में बताएंगे वो कि सोलर सिस्टम क्या है, फिर बताएंगे कि सोलर पैनल क्या है, आपको जो मैंने पढ़ाया था उससे भी बेटर तरीके से ये बताएंगे, और फिर कुछ रूल बताएंगे कि कैसे हम सोलर पैनल का कितना एरिया चाहिए हमको हमारे घर में, अगर सोलर पैनल लगाना हो उसके लिए। अच्छा, जहाँ सोलर पैनल लगेगा तो वहाँ बैटरी भी चार्ज करनी है, तो बैटरी के बारे में बेसिक्स वो समझाएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। फिर उसके बाद कैसे सोलर सिस्टम में कुछ मेजरमेंट कर पाए, कुछ उसको कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है, इन्वर्टर चाहिए इसके बारे में बताएंगे। फिर उसका डीसी सोलर सिस्टम जो उसका हिस्सा है वो बताएंगे, कैसे स्टार रेटिंग होती है। आप लोग देखते होंगे बाजार में रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं या एसी खरीदते हैं या कोई ऐसा अप्लायंस खरीदते हैं, तो उसकी स्टार रेटिंग दी गई होती है, 5-स्टार रेटिंग, 4-स्टार रेटिंग, तो उसका क्या मतलब है वो समझाया जाएगा। फिर इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगा, एनर्जी कंजम्पशन मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट से रिलेटेड है, वो क्या होगा। आपके एरिया में सोलर रेडिएशन कितना आता है वो बताएंगे। फिर कैसे अपने घर का एक सोलर होम सिस्टम आप डिजाइन कर पाएंगे, और सरकार की तरफ से क्या सुविधा मिलती है आपको जब ऐसा सोलर सिस्टम अपने घर में लगाएंगे, और उसका टोटल कॉस्ट क्या होगा ये बताया जाएगा। ये इन वीडियोस को देखने के बाद फिर वो आपको क्विज लेने को कहेंगे। उस क्विज में अगर आप एक बार 40% से कम आता भी है तो घबराइए नहीं, वो सेकेंड चांस भी देते हैं, तो आपके पास मौका है। अच्छा, इसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं है, आप आराम से देखिए, रजिस्टर करने के बाद एक वीडियो आज देखा, बल्कि बेस्ट ये होगा कि उसको कहीं कहीं नोट करते चलो, तो वो आप जब नोट करेंगे तो फिर आप इसको एंजॉय कर पाएंगे और सीख भी पाएंगे। और क्विज का आंसर देते समय वो नोट जो है वो याद भी रहेगा, तो क्विज का आंसर बेटर तरीके से दे पाएंगे। सो ये आपको करना है। अब इस लिंक को क्लिक करने के लिए मैं जस्ट एक बार आपको हिंट दे रहा हूँ कि मैं भी आपकी तरह एक बार ट्राई करूँगा कि ये यहाँ पर है। अब कंट्रोल क्लिक है, तो कंट्रोल करके मैंने इसको क्लिक किया तो शायद नहीं आया, मैं फिर से करता हूँ एक बार। अब आया, अब ये देखिए ये यहाँ पर क्लिक जो है डिस्टर्ब जा रहा है, और ये वेबसाइट पर आया।
अभी थोड़ी देर में ये आ जाएगा। ये वेबसाइट आया, अब यहाँ पर आपको अपना नाम वगैरह सारा डालना है ये, और फिर ये सबमिट करना होगा, फिर ये जाएगा आपके पास ईमेल पे, जिसको आप वेरीफाई करेंगे और फिर उसके बाद आप इसके क्विज अटेंड कर पाएंगे। और इसमें जो लिंक्स हैं उसपे सारे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, रजिस्ट्रेशन के तरीके, ये सारे दिए भी हुए हैं। कैसे आप बिना स्टोरेज किए हुए सोलर यूज कर सकते हैं, सोलर के क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या प्रोडक्ट्स हैं, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो ये सारी जानकारी आपको मिल पाएगी इससे। सो आई होप आप ये कर पाएंगे। कोई दिक्कत होगी तो मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल आप दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। सो आई